What's up everybody, you're from Mr. and I'm back with another video. So guys, last video ZX9R का देखने के बाद एक और वीडियो लेके आ चुके हैं हम वापस, जो बाइक पीछे दिख रही थी लोगों को और कमेंट करा वो लोगों ने, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए एक वीडियो। भाई कौन सी बाइक होने वाली है? अरे सुपर स्पोर्ट्स का थोड़ा सा मौसम आ गया है, थोड़ा बहुत ऐसा सीजन चल रहा है अभी कि सुपर स्पोर्ट्स बाइक लाने का मन करता है ना। ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, दिन के अंदर मॉर्निंग राइड्स में अच्छा खासा वेदर होता है, तो गाइस उसी लिए सुपर बाइक्स की हम एक नहीं दो नहीं तीन नहीं आने दो, उसके बाद अभी सरप्राइज और पड़ा आपके लिए, कोई बहुत जल्द आएगा वो एंड में फोड़ेंगे, वो एंड में सबसे बड़ा सरप्राइज। एग्जैक्टली, तो गाइस आपका फिर से बड़ी स्वागत है सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स पे, एंड लाइक अगेन एक बार फिर से आपके साथ ले आए हम एक नई बाइक, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड सुपर स्पोर्ट्स बाइक एवर। मतलब इसके अंदर वही कह रहा हूँ, इसके अंदर जो पावर है, जो इसका राइडिंग पोजीशन है, इसकी जो आवाज़ है, इसके अंदर जो फीचर्स है, दिस बाइक ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ये बहुत अंडर रेटेड है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है इसमें कितनी पावर है, इसमें कितना पोटेंशियल है और ये कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकती है। आपको ऊपर ऊपर से बाइक के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। वैसे भाई आपसे उस बाइक के बारे में घंटा बोल सकता हूं मैं, हाँ जितना मर्जी बुला लो, आई एम मूविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सुपर बाइक्स, जितना मर्जी बुलवा। कमेंट करके बताओ कोई एक पर्टिकुलर बाइक चूज करो जिसको ऊपर से नीचे तक पाजी रिव्यू करे अपने चैनल पे। एग्जैक्टली, जितना लंबा हो सके, अगर डिमांड आई तो बनेगा, बना देंगे, पक्की बात है। मैं बहुत कुछ बता सकते हूँ, बट चलो लेट्स एनीवेज, आइए गाइस आपको मिलवाते हैं द मोस्ट अंडररेटेड सुपर बाइक्स एके द सुजुकी GSX-R 1000R। गाइस आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम द सुजुकी GSX-R 1000R, एके इसको कहते हैं। वैसे GSX-R की जो फुल फॉर्म है गाइस, दैट्स ग्रैंड स्पोर्ट एक्सपेरिमेंटल रेसिंग। तो GSX-R स्टैंड फॉर, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, द ग्रैंड स्पोर्ट एक्सपेरिमेंटल के अंदर एक्स बड़ा होता है, ई स्टैंड थोड़ा सा कॉमन हो जाता है इसके अंदर, साइलेंट हो जाता है, तो ग्रैंड स्पोर्ट एक्सपेरिमेंट रेसिंग स्टैंड फॉर दिस GSX-R। एंड गाइस ये जो बाइक आप देख रहे हो सामने, दिस इज GSX-R 1000R, इसकी जो ब्रांडिंग करी जाती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है GSX-R 1000R। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर मोस्ट बाइक इंडिया में, आपको जो 10Rs वगैरह बहुत देखने को मिलती होंगी, एंड उसके अलावा दे प्लेंटी ऑफ बाइक सुपर स्पोर्ट्स में जो आप देख सकते हो मिलती हैं, बट GSX-R गाइस वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट बाइक है। ये क्यों है, किस लिए है, मतलब क्या चक्कर है कि ये इतनी मार्केट में नहीं उठी, उसके बारे में आज बात करेंगे गाइस। आपको बताएंगे भी कि इस बाइक के अंदर क्या खासियत थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, किसकी वजह से ये इंडियन मार्केट को अपना दिल नहीं जीत पाई, और इसका जो बड़ा भाई है द GSX-1300R ऑल्सो नोन एज हायाबूसा, उसने तो धूम मचा रखी है मार्केट के अंदर। वेल लेट्स स्टिक टू द पॉइंट गाइस, बात करते हैं हम GSX-R की। नाउ इसकी लेगेसी गाइस काफ़ी पुरानी है, दिस थिंग इज कमिंग वे लॉन्ग, 2002 से आ रही है ये बाइक मार्केट के अंदर, GSX-600, GSX-750, GSX-S 1000 नेकेड के अंदर भी आती है, GSX-1300 बूसा जिसको कहते हैं हम लोग वो भी आती है, बट ये वाला जो मॉडल था गाइस, दिस केम इन 2017 ऑनवर्ड्स ये शेप आई थी, एंड दी R 1000R केम इन 2018, 2018 की ये बाइक है, 2018 मॉडल, मैन्युफैक्चर्ड एंड रजिस्टर्ड बोथ। R के अंदर फ़र्क क्या था, R 1000R इसको कहते हैं, फ़र्क था गाइस पहला एंड फॉरमोस्ट द बैलेंस फ्री फॉक्स फ्रॉम शोवा, इसके अंदर जो सस्पेंशन आता है आपको मिलते हैं शोवा के तरफ से बैलेंस फ्री फोक्स, वन ऑफ द मोस्ट मैं कहूँगा ट्रैक रेडी सस्पेंशन, रॉक सॉलिड सस्पेंशन है, इसके अंदर स्टिफनेस आप इतनी अच्छी एडजस्ट कर सकते हो कि दिस थिंग विल स्टिक टू द रोड, इतना अच्छा आपको कॉर्नरिंग करने की एबिलिटी मिलती है इस बाइक के अंदर कि ये सारा का सारा खेल गए सस्पेंशन का ही होता है, एंड इसके अंदर सस्पेंशन दिया हुआ है शोवा की तरफ से, ये टॉप ऑफ द लाइन है,
कंपेयर कर सकते हैं एक लेवल तक ओलिन्स तक भी, बट ओलिन्स के अंदर जो लेवल ऑफ आपको जिस तरीके से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा कहीं एक परसेंट पीछे रह जाता है शोवा, बट स्टिल दिस सेटअप सस्पेंशन सेटअप इट्स रेडी फॉर ट्रैक, इट्स अ ट्रैक रेडी वेपन। अलॉन्ग विद दैट गाइस, ब्रेम्बो ब्रेक्स आप देख रहे होंगे नीचे ब्रेम्बो के कैलिपर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर कैलिपर्स आते हैं ब्रेम्बो के, बट इफ यू सी ऊपर आप देखोगे तो निसिन के इसके अंदर आपको मिलते हैं मास्टर सिलेंडर। सो ब्रेकिंग के अंदर ही गाइस ये बाइक लैक करती है बहुत ज़्यादा, सेम जैसे बड़े भाई से इसके अंदर आया है। दूसरा भी ABS वाली गाइस उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग नहीं है, उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है, सेम गोज विद दिस बाइक डिस्पाइट ऑफ बीइंग ब्रेम्बो ब्रेक्स। इसमें जो एक कमी है वो इसकी ब्रेक्स की है, और ब्रेक्स जो है इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती है, एक वो पावर नहीं देती है। सो एक जो ग्रैब एक पंच आता है ब्रेक्स का वो इसके अंदर थोड़ा सा मिसिंग होता है गाइस, दैट्स द बिगेस्ट डाउनसाइड ऑफ दिस बाइक, बिगेस्ट एंड द ओनली डाउनसाइड विच आई फील वो इसके अंदर ब्रेक्स का था। उसी के साथ गाइस बात करते हैं और एक्सेसरीज की, तो यहाँ पे पूरे क्रैंक केस इंजन के इस पर टेटर्स लगे हुए हैं बाय GB रेसिंग, टैंक पर टैंक ग्रिप्स लगी हुई है इस बाइक के अंदर, एंड थोड़ा सा अगर आप पीछे आ जाओगे और तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आकरा पोविच का फुल सिस्टम टाइटेनियम का एग्जॉस्ट। नाउ दिस इज़ अ ट्रैक रेडी एग्जॉस्ट गाइस, इसकी आवाज़ इतनी लाउड नहीं मिलेगी आपको, इसमें पॉप्स एंड बैंग्स नहीं मिलेंगे आपको, बट इसमें आपको मिलेगी परफॉर्मेंस एंड जो भारी आवाज़ आती है, जो बेसीनेस आती है इसके अंदर वो मिलेगी, एंड दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ द टाइटेनियम इंजन ऑल्सो, जो इसके अंदर पूरा इंजन है दैट्स प्योरली मेड, इट्स फोर्ज टाइटेनियम के इसके अंदर आपको मिलते हैं अंदर पार्ट्स, सो इट्स रियली ऑन अ वेरी अग्रेसिव साइड, काफ़ी अच्छा ट्यून भी कर सकते हो आपको, एंड दिस बाइक इज रीमैप्ड एंड इट्स वेरी अग्रेसिवली मैप्ड, उसके ऊपर भी आगे चल के आते हैं एक्सेसरीज के साथ। बाकी पीछे देखोगे गाइस पीछे स्टॉक टेल है, सब कुछ स्टॉक सेटअप है, एंड टायर की कंडीशन आप देख सकते हो डैब्लो रोसो 3 लगा हुआ है पीछे, आई गेस 70% ऑफ टायर स्टिल देयर, आगे का टायर इसके अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा हुआ है। अगर आप इधर आ जाएंगे गाइस तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक के अंदर GSX R 1000 R के अंदर एक प्लस पॉइंट और जो आता है वो आता है इस चीज़ का, ये जो आप देख रहे हो दिस, ये गियर लीवर की कनेक्टिंग रॉड है, इसके अंदर आपको मिलता है ऑटो ब्लेपर एज वेल एज क्विक शिफ्टर फ्रॉम द फैक्ट्री इट्सेल्फ। वैसे अगर नॉर्मल जिक्सर आप लेते हो गाइस उसमें सिर्फ क्विक शिफ्टर मिलता है आपको, ऑटो ब्लेपर नहीं मिलता है, ऑटो ब्लेपिंग इज़ फॉर ऑटो डाउन शिफ्ट एंड क्विक शिफ्टर इज़ फॉर अप शिफ्ट, मतलब क्लचलेस आप बिल्कुल बिना यूज़ करें क्लच को, यू कैन प्ले अराउंड विद द गियर रेशियोज 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 विदाउट एंगेजिंग द क्लच व्हाट्स एवर, क्लच सिर्फ यूज़ करना है तो सिर्फ स्टैंड स्टिल से आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। बाकी रेस्ट शॉट गाइस एक बारी लुक देखो बाइक की, ओवरऑल कलर स्कीम कैसी है इसकी, मेरे चैनल पे भी मैंने वीडियो बनाया था इसका इन कंपैरिजन विद ZX10R, कैसा लगा वीडियो का अगर वो नहीं देखा तो देख लो एक बारी जाके, आई बटन का लिंक अगर ये डालेगा तो वेलन को नहीं डालता तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट कैन लुक एट आउट माई चैनल ऑल्सो। उस टाइम पर इस बाइक के अंदर रिम्स थे दोज वर बीइंग पेंटेड इनटू सम वेरी कलरफुल स्कीम, तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी, सो वी रिवर्टेड देम बैक टू स्टॉक कलर स्कीम, जो अलॉय व्हील्स की है इट्स नाउ स्टॉक जैसे कंपनी से आते हैं। ये कलर कैसा लग रहा है, ये ओवरऑल बाइक की लुक कैसी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स गाइस, कमेंट करना मत भूलना। बाकी बड़ी सारी बातें के लिए गाइस चलिए आपको दिखाते हैं इसके डैश के ऊपर इसकी इनिशियल सीक्वेंस दिखाते हैं, इसमें क्या फीचर्स है वो दिखाते हैं, आइए। तो गाइस दिस इज द इनिशियल सीक्वेंस ऑफ दिस GSX R 1000 R, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अभी तक चल रहा है मार्केट के अंदर, जिस GSX R लोगो ऑल्सो लिट्स अप, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी जल रहा है, तो दिस थिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द नाइट। ओवरऑल देखेंगे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपका टैकोमीटर है जहाँ पे आपके RPM आते हैं, दिस इज योर स्पीड, ये न्यूट्रल है जिससे जो गियर इंडिकेटर है कौन से गियर में हो, QS स्टैंड्स फॉर क्विक शिफ्टर बोथ अप एंड डाउन, ऑटो ब्रेक क्विक शिफ्टर दोनों है इसके अंदर। किलोमीटर्स ओडो आप देख सकते हो 13,055 किलोमीटर चल चुकी है, डिस्टेंस टू MT आ रहा है इसके अंदर जो आप चेंज कर सकते हो, योर ट्रिप ए, योर फ्यूल इकोनॉमिकल, ये जो 5 का साइन होता है दैट स्टैंड्स फॉर योर इकोनॉमिकल, 11.3 की एवरेज दे रही है, नॉट बैड, ठीक है। नीचे आपका एयर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है जो गलत लिखा आ रहा है, इसके अंदर एक ऐसी सुपर स्पोर्ट्स है जिसमें आपको फ्यूल गेज भी मिलता है गाइस, दैट्स देयर इन द बाइक, बड़ा एक रेयर होता है, रेयर केस में आता है फ्यूल गेजेस वगैरह। अलॉन्ग विद दैट गाइस इसके अंदर आप देखेंगे तो ये पावर मोड्स है, ABC 3 पावर मोड्स आते हैं सेम लाइक बूसा, ट्रैक्शन कंट्रोल के भी मोड्स आते हैं इसके अंदर, आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो यहाँ से, यहाँ इसके अंदर पूरा इसका जो आप लेआउट देख सकते हो, एक बारी मोड का बटन दबाओगे तो ये TC पे आ जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल के इसके अंदर आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 लेवल्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल विच यू कैन टर्न इट ऑफ ऑल्सो। एक बारी दोबारा मोड का बटन दबाओगे गाइस तो ये आ जाती है आपके राइडिंग मोड्स के ऊपर जो आपको मिलते हैं A, B एंड C, 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, C बींग द लीस्ट पावरफुल, B बींग द मिडल, A बींग द मोस्ट पावरफुल मोड।
अभी ए और ट्रैक्शन ऑफ के अंदर दिस थिंग विल बी अ बीस्ट ऑन टू व्हील्स। बाकी अगर आप वैसे इसके टॉगल करना चाहते हो मेन्यू के अंदर गए तो ये ऊपर वाला बटन दबाओगे तो इसके अंदर इंस्टेंटेनियस आपका पूरा बार आता है बना हुआ कि कितनी एवरेज देरी है, ओडो वगैरह सब आता है। नीचे वाला बटन दबाओगे तो यू कैन चेंज द ट्रिप ए ट्रिप बी करेंट बैटरी वोल्टेज डिस्प्ले ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। उसी के साथ साथ ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और अगर टॉगल मेन्यू करना चाहते हो पूरा अंदर जाना चाहते हो मेन्यू के तो फिर आप तो प्रेस एंड होल्ड दिस डाउन बटन। एक किलोमीटर का ट्रिप रीसेट हो गया। ये पूरा इसका मेन्यू आया गया डिस्प्ले डेट एंड टाइम टाको सेट आरपीएम सेट क्विक शिफ्टर सेट यूनिट्स ये सब आप कुछ चेंज कर सकते हो इसके अंदर। मतलब दिस थिंग इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल, इसके अंदर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये आपको फ्रीडम मिलती है GS6R 1000R के साथ। बाकी इनफ सेट गाइस, चलिए गाइस बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलिए चालू करते हैं इसको, सुनाते हैं आपको इसकी आवाज़ एंड लेट्स गिव यू अ शॉर्ट फ्लाई बाय ऑफ दिस GS6R 1000R। गाइस कैसी लगी आपको इसकी आवाज़, कैसी लगी इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और कैसी लगी इसकी लुक्स, नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, ज़रूर कमेंट करके बताना। एक चीज़ मैं बताना भूल गया गाइस, GS6R 1000R के अंदर आगे आपको देखने को मिलते हैं ये दो DRLs जो एक GS6R नॉर्मल जिक्सर के अंदर नहीं आती है, सिर्फ R 1000R के अंदर आती है। कॉस्मेटिकल चेंजेस भी थे इस बाइक के अंदर एंड ये कलर स्कीम भी गाइस यूज्ड टू कम ओनली इन GS6R 1000R। कैसी लगी बाइक, कैसी लगी आवाज़ गाइस, कैसी लगी इसके लोग से कमेंट सेक्शन में आवाज़ आवाज़ गाइस। बाकी अब बारी आती है प्राइसिंग की। अगर हम बात करें इस बाइक की प्राइसिंग नई बाइक की, दिस थिंग यूज्ड टू रिटेल फॉर ओवर 24 लाख ऑन रोड, 24 लाख रुपए की ऑन रोड ये बाइक थी विदाउट द एक्सेसरीज। अगर एक्सेसरीज में गिनवाना चाहूँ आपको गाइस, दिस एग्जॉस्ट स्टैंड अलोन कॉस्ट सम अराउंड 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपये का सिर्फ एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद टैंक पैड टैंक ग्रिप्स अलग है, इंजन केसिंग अलग है, फ्रंट विंडस्क्रीन अलग है, ये सारी चीज़ें इसमें अलग से लगी हुई हैं। तो आप एक तरीके से जायज़ा लगा सकते हो कि ये जो बाइक है अभी सामने खड़ी है दिस थिंग इज़ फॉर समवेयर अराउंड 27 लाख्स, 27 लाख रुपए की बाइक गाइस आज आपको सरस्वती मोटर्स पर मिलने जा रही है फॉर ओनली 13.25 लाख्स, सिर्फ 13.25 लाख रुपए के अंदर आपको मैं देने जा रहा हूँ। दिस 2018 मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड डील रजिस्ट्रेशन की सुजुकी GS6R 1000R एंड दिस इज़ ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, आज सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स पे, टेक दिस ब्यूटीफुल बाइक होम, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। कहाँ 27 लाख खर्चने थे, कहाँ आज उसके आधे खर्चने पड़ रहे हैं एंड आपको एक्सेसरीज से लोडेड एक GS6R देखने को मिल रही है। तो कम ओवर है सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स गाइज, चलिए मिलते हैं अर्जुन से द मैन बिहाइंड द कैमरा, लेट्स कैच हिम अप। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो पूरा GS6 1000R को लेके। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताना, पीछे काफी बड़ा लाइनअप लगा हुआ है, काफी सारा बहुत सारी बाइक्स है, कुछ भी नहीं आता तो पाजी के इंस्टा पे आ जाता है, तो मेरे को भी कमेंट करके बता देना अगर उस पर वीडियो देखना चाहते हो नहीं चाहते हो। बाकी मेरे को भी इंस्टा पे फॉलो कर लेना, पाजी को भी कर लेना और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल, इसका वीडियो आपके चैनल पे पहले से है ना, इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, बाकी एक और एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द जिसको हम कंपेयर करने वाले हैं सारी सुपर स्पोर्ट्स को, दैट्स गोना कम ऑन माय चैनल वेरी सून। बाकी गाइस कैसा लगा वीडियो, देखना चाहते हो तो पाजी के चैनल पे उसके हिसाब का वीडियो है। गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, कैसी लगी GS6R नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, प्राइसिंग कैसी लगी वो भी बताना एंड वट एवर यू विश टू सी नेक्स्ट वो भी बताना। मेरे पास इंट्रूडर भी खड़ी हैं दो बॉस एडिशन की खड़ी हैं और प्लेंटी ऑफ बाइक्स इन स्टॉक। अगर आप क्रूजर देखने के शौक हो, काफी सारा स्टॉक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उस साइड वीडियो बना दूंगा। या वी गॉट प्लेंटी ऑफ बाइक्स इन स्टॉक गाइस, एज पर योर डिमांड्स एज पर विश, आपका अपना चैनल है, जैसे आप विश करोगे जैसे आप कमेंट करोगे वही स्टॉक आपके लिए हम लेकर आएंगे। बाकी गाइस दिस इज जसी सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स विद सरस्वती मोटर्स अलोंग विद मिस्टर ब्लॉग साइन ऑफ, सी यू सून, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।